हेलो गाइस, ये हमारा टाटा का ट्रक 3718 कमिंस इंजन। ये BS4 मॉडल है। इसमें आप देखेंगे कि हमने इसमें इंजन रिप्लेसमेंट की है, क्योंकि इसमें इंजन है जो मतलब कनेक्टिंग का बोल्ट है वो टूटा हुआ है, इसके कारण ब्लॉक भी फूट चुका है, तो हमने इसे इंजन रिप्लेसमेंट किए। देख सकते हो हमारा इंजन है BS4 का, देख सकते लिखा भी है कमिंस इंजन BS4। तो हमने ये इंजन है, आपको दिखाऊंगा कि इसको ब्लॉक कहाँ से फूटा हुआ है। फिलहाल तो हमने इसके पार्ट मतलब इस डिसेंबल करना स्टार्ट कर दिए हैं। देख सकते हो हमने चेंबर खोले, फिर नीचे का ये पार्ट है, देख सकते हो आपको क्रैंकशाफ्ट मतलब दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये जो चौथा नंबर का पिस्टन है वहाँ से इसका जैसे कनेक्टिंग बोल्ट है वहाँ से टूटा हुआ है, उसके कारण पूरा इंजन देख सकते हैं यहाँ से ब्लॉक पूरा फूटा हुआ है, यहाँ से फूट गया ब्लॉक। अभी इसीलिए एक कनेक्टिंग के बोल्ट के कारण फूटा हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो हमारा ये इंजन है, ये BS4 इंजन। तो हम इंजन अभी हम रिप्लेस करेंगे। देख सकते हो ये हमारा पिस्टन 6 सिलेंडर का, तो ये 6 सिलेंडर में से ये चौथा नंबर का पिस्टन का कनेक्टिंग टूटा हुआ था, तो इसके बाद हम न्यू इंजन हमने अप्लाई किए। देख सकते हो हमारा न्यू इंजन है, तो इसमें हमने पूरा पार्ट फिटिंग कर दिए, जैसे कि हमने उस वाले BS4 का मतलब कुछ अच्छे पार्ट रहते हैं उस पार्ट को हम BS मतलब ये न्यू इंजन में अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइलेंसर है, अल्टरनेटर है, टर्बो है, क्योंकि ये सब तो अच्छे थे ना, मतलब जैसे कि जो पार्ट डैमेज है वही हम पार्ट न्यू पार्ट लगाए थे, बाकी जो तो अच्छा है तो वो सब इसी में लगाए। और जैसे कि इंजन सिर्फ इंजन आता है, मतलब रिकॉर्ड इंजन में पिस्टन है, टैपेट है, हेड और चेंबर, ये हमारा पुराना है, मतलब सेकंड फर्स्ट वाला इंजन ही है। इसमें क्या हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे हेड का जो थ्रेड है यहाँ पे नोजल वाले वो थ्रेड ख़राब हो गया था, इसलिए हमने फिर से दूसरा इंजन मंगाए थे। ये हमारा दूसरा इंजन, ये हमारा BS4 जो गाड़ी का इंजन है किसी का है, तो हमने इसको डिसेंबल कर दिए, जैसे कि अभी हमने उसे निकाल के न्यू इंजन फिटिंग कर दिए। देख सकते हो हमारा इंजन फिटिंग हो गया, वो कनेक्टिंग टूटने की वजह से ACM पे भी मार पड़ी है, देख सकते हो यहाँ से पूरा छेद हो गया है, लेकिन ACM चालू है। देख सकते हो हमारा व्हीकल स्टार्ट हो गया है, इसी तरह से हमारा वर्क कंप्लीट होता है और हमारा व्हीकल स्टार्ट हो जाता है।